नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। खबर आ रही है जौनपुर के शाहगंज तहसील से। आप देख रहे हैं न्यूज कॉर्नर। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज तहसील ब्लॉक पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। आइए खबर बताते हैं विस्तार से। तमाम पत्रकारों, केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आजाद का अत्यंत गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विकास खंड सभागार में पहुंचने के पश्चात केंद्रीय प्रमुख ने क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने संगठन की संगठनिक व्यूह रचना के विषय में विस्तार से बताते हुए सभी पत्रकारों को पत्रकारों के हितों, अन्याय, अत्याचार, हत्या, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से आए हुए पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि ने शाहगंज तहसील सहित तीनों ब्लॉक कमेटियों के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनोज मिश्रा ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जैसा संगठन आज तक नहीं देखा। इसके लिए यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो विश्वविद्यालय परिवार हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव राम नरेश प्रजापति ने किया। इस अवसर पर शिव कुमार प्रजापति, दीपक विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, मन्ने अब्बास, शिवसेंद्र यादव, विनोद यादव, रत्नेश यादव, चंदन समेत तमाम पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अधिकारी पत्रकार परिषद केंद्रीय प्रमुख आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के तहसील शाहगंज, सेठा ब्लॉक, उलहन ब्लॉक और सोधी ब्लॉक के पदाधिकारियों को पद ग्रहण समारोह में यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर पीसी विश्वकर्मा जी, डॉक्टर मनोज मिश्र जी, डॉक्टर राकेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, श्रीधर तिवारी जी, ब्रजेश उपाध्याय जी, प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान जी उपस्थित हैं। आज पद ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबसे पहले हम आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने समय निकाल करके इसको प्रवेश किया, और ये आशा करते हैं कि पूरे भारत में आपके द्वारा भेजी यह सूचना, यह संदेश जाएगा, इससे क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। जी, पत्रकारों का एकजुट होना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि अगर पत्रकार एकजुट नहीं होगा तो जो स्थिति आज है इससे और विकट स्थिति आने वाली है। समय का ये इशारा है, इसको अगर पत्रकार नहीं समझे, खेमे में बटे रहेंगे, इससे और अधिक हिंसा होगा। आपके संगठन का उद्देश्य है कि पत्रकार आयोग बनाए सरकार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जीवन पर्यंत संघर्ष तब तक चलेगा जब तक वो पत्रकार आयोग बना नहीं देंगे, पत्रकारों का मान सम्मान स्वाभिमान पुनर्स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता है। और पत्रकारों के साथ इस तरह से अन्याय, अत्याचार, हत्या पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? और संज्ञान इसलिए नहीं ले रही है सरकार की, वो आपको कमजोर समझ रही है। और कहां तक लड़ाई आपकी जाएगी संगठन की? लड़ाई पूरी दिल्ली के लाल किले तक पहुंचेगी, संसद भवन तक पहुंचेगी, जहां तक हम सक्षम होंगे, जहां तक पहुंचने की हमारी क्षमता होगी वहां तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। देश की जनता और पत्रकार साथियों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश वही संदेश हम भी देंगे जो दुनिया देती आई है, सबको एकजुट होना चाहिए। अगर आप अपने मान सम्मान के लिए एकजुट नहीं हो सकते तो ये छलावा है एकजुटता, इसको आप लोग बदलेंगे, इसको आप लोग जनता को दिखाएंगे कि एकजुटता में वास्तव में ताकत है तो हम एकजुट हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो इसका मतलब आप एकजुट नहीं। इस समय पत्रकार कई खेमों में बटे हुए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पत्रकारिता पर? हमारा मानना है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खेमे से कुछ नहीं होता। अगर खेमा होता तो हमारे तमाम साथी इसमें तमाम खेमे से हैं जिन्होंने आज संकल्प लिया है कि हम क्रांतिकारी पत्रकार कर रहे हैं,
जब तक वो जिंदा रहेंगे, इसमें कार्यरत रहेंगे, इसमें संगठन की मजबूती देते रहेंगे। धन्यवाद। शाहगंज जौनपुर से शिव कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।